गुड मॉर्निंग बच्चों, आज अपन बीएससी के सिलेबस के बारे में अपन जानकारी करेंगे और सभी वीडियो अच्छी तरह देखें और उनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन है आपको नहीं आ रहे हैं वो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर आप पूछें और बिल्कुल ध्यान से आपको देख के नोट्स ही बनाने हैं, ठीक है। तो आज अपन पहले टॉपिक की बात करेंगे, केवल सिलेबस की बात करते हैं। तो जो बीएससी फर्स्ट ईयर है उसमें बात करेंगे सबसे पहले जूलॉजी के सिलेबस के बारे में, ठीक है। जूलॉजी के सिलेबस के बारे में वैसे आपके तीन पेपर तो होते हैं जूलॉजी के, तीन होते हैं केमिस्ट्री के और तीन होते हैं बॉटनी के। आपने सीनियर में केवल ये पढ़ा था बायोलॉजी, और बायोलॉजी एक ही आपने पहले जो चैप्टर पढ़े थे वो कौन से थे, बॉटनी, बाद में पढ़े थे जूलॉजी। अब इनको अलग अलग कर दिया गया है, जूलॉजी और बॉटनी। तो बीएससी की बात करते हो तो बीएससी में जो जूलॉजी है उसके भी तीन पेपर होंगे और बॉटनी के भी तीन पेपर होंगे और तीन ही होंगे आपके केमिस्ट्री के। इस प्रकार से आपके कुल जो पेपर है वो कितने हो गए, नौ पेपर तो हो गए इनके। उसके अलावा इंग्लिश का, हिंदी का, कंप्यूटर का और पर्यावरण के, चार पेपर वो। इस प्रकार से आपके बीएससी में कुल 13 पेपर होंगे। तो अपन केवल बात करते हैं यहाँ जूलॉजी और बॉटनी के बारे में। तो जूलॉजी है, उस जूलॉजी के अंदर आपके तीन पेपर होंगे, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, तीन पेपर है। फर्स्ट पेपर है वो कितने नंबर का होगा, 33 नंबर का होगा, 33 मार्क्स का होगा। फिर सेकंड पेपर है वो भी कितने नंबर का होगा, 33 नंबर का होगा। और जो तीसरा पेपर होगा आपका जूलॉजी का वो होगा 34 नंबर का, 34 नंबर का। अब ये मान के चलिए कि तीनों पेपर है 33, 33, 34, कितने के हो गए, 100। अर्थात जूलॉजी है, जूलॉजी के जो पेपर है तीनों कितने नंबर के हो गए हैं, 100 नंबर के। और मिनिमम पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, 36 नंबर पर सब्जेक्ट, यानी पर पेपर है आपको कम से कम 12 नंबर की आवश्यकता होती है, मिनिमम 12 नंबर की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से जूलॉजी के तीनों पेपर है वो 100 नंबर के हैं और उसमें कितने नंबर कंपलसरी है या पास होने के लिए कितने चाहिए, 36 नंबर आपको चाहिए। अब जो फर्स्ट पेपर है उसमें किसके लिए पूछा जाता है, डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल के बारे में, यानी जो जंतु है उनकी विविधताओं के बारे में यहाँ पूछा जाएगा। तो इससे संबंधित जो भी जो टॉपिक है यानी जो लेसन दे रखे हैं उनसे संबंधित पेपर फर्स्ट में पूछे जाएंगे और कितने नंबर के क्वेश्चन होंगे, 33 नंबर के। जो सेकंड पेपर होगा आपका वो भी कितने नंबर का होगा, 33 नंबर का। उसमें क्या होगी, सेल बायोलॉजी और क्या होगी, जेनेटिक्स, आनुवंशिकी होगी। तो पेपर जो सेकंड होगा वो किसका होगा, सेल बायोलॉजी और किसका होगा, जेनेटिक्स का होगा। कितने नंबर का आएगा, 33 नंबर का। फिर यहाँ बात करते हैं जो पेपर थर्ड की बात करते हैं वो कितने नंबर का होगा, 34 नंबर का होगा, जिसमें गेमिट और डेवलपमेंट बायोलॉजी होता है, यानी गेमिट यानी युग्मक और डेवलपमेंट बायोलॉजी है वो इसके अंतर्गत आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बीएससी में जूलॉजी के कितने पेपर आएंगे, तीन पेपर आएंगे। तीन पेपर में फर्स्ट पेपर होगा डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल से, और सेकेंड पेपर होगा सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स से, और तीसरा पेपर जो होगा आपका गैमेट और डेवलपमेंट बायोलॉजी से, ठीक है। तीनों इस प्रकार से पेपर होंगे। तो तीनों पेपर हो गए आपके 100 नंबर के। उसके अलावा जो आपका प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल है वो होता है 50 नंबर का। तो कितने के हो गए, 150 नंबर। और प्रैक्टिकल में 50 में से पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, 18 नंबर आपको चाहिए। तो ये इस प्रकार से मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गएगा। जूलॉजी है उसके तीन पेपर, तीन पेपर में पहला, दूसरा 33, और तीसरा पेपर होगा 34 का। इस प्रकार से जूलॉजी के तीनों पेपर 100 नंबर के और प्रैक्टिकल होगा 50 का, तो कितने का हो गया, 150। तो ये तो केवल किसका है, जूलॉजी का।
इसी प्रकार किसका होगा, बोटनी का 150 नंबर का वो हो जाएगा 300, 150 नंबर किसका होगा, केमिस्ट्री। इस प्रकार से बीएससी में फर्स्ट ईयर में 450 नंबर के आपके पेपर होंगे, ठीक है। अब यहाँ बात करें इनकी बात करें कि फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, तो पेपर फर्स्ट और जो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर है उसमें जो पहला क्वेश्चन दिया होगा उसमें नो क्वेश्चन होते हैं, पहला क्वेश्चन देते हैं उसमें नो क्वेश्चन होते हैं और सब एक एक नंबर के होते हैं और सभी करने होते हैं, तो कितने नंबर के हो गए, नौ अंक के। ये लगभग 25 वर्ड से क्वेश्चन होते हैं, यानी जिसका उत्तर है 25 वर्ड, सब सीमा कितनी होती है 25 वर्ड की। दूसरा क्वेश्चन होगा उसमें पार्ट दे रखेगा, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, अलग अलग पार्ट रहेंगे यहाँ पर, ठीक है। इन पार्ट में दो दो क्वेश्चन दिए रहेंगे और प्रत्येक पार्ट से एक एक क्वेश्चन, यानी तीनों पार्ट से, यानी क्वेश्चन पूरे कितने तीनों पार्ट में, छः, और छः में कितने क्वेश्चन करने होते हैं अनिवार्य, चार। दोबारा देखना, पहला क्वेश्चन दिया होगा उसमें छोटे क्वेश्चन होते हैं नौ, वो सभी करने होते हैं और एक एक नंबर के होते हैं, नौ नंबर के हो गए। फिर उसके बाद में इसके से पार्ट बने रहेंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, उसमें सब में दो दो क्वेश्चन दिए रहेंगे, पार्ट फर्स्ट में भी दो क्वेश्चन, पार्ट सेकेंड में भी दो क्वेश्चन, पार्ट थर्ड में भी दो क्वेश्चन, कुल कितने हो गए, छः। छः में कितने करने होते हैं, चार क्वेश्चन, चार में प्रत्येक में एक एक होना कंपलसरी क्या होता है, आवश्यक, चाहे आप एक यूनिट से दो कर लो बाकी एक एक कर लो। इस प्रकार से चार क्वेश्चन करने होते हैं, कितने नंबर के होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन छः नंबर का, तो कितने हो गए, 24, 24 और 9 कितने हो गए, 33। इस प्रकार से आपका जूलॉजी का पेपर होगा। तो ये सिलेबस तो हो गया है जूलॉजी का। अब बात करते हैं अपन बॉटनी की, इस प्रकार अपन बात करते हैं बॉटनी के सिलेबस की, जूलॉजी के बाद बात करते हैं बॉटनी। तो बॉटनी के भी तीन पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड। तो पेपर फर्स्ट है वो 33 नंबर का होगा, सेम जूलॉजी की तरह। पेपर सेकंड भी होगा 33 नंबर का और पेपर थर्ड होगा 34 नंबर का। तो पेपर जो फर्स्ट है उसमें क्या आता है, सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स। तो आप सभी बच्चों को ध्यान देना है, सेल बायोलॉजी जेनेटिक्स बॉटनी में भी है और जूलॉजी में भी है। अगर आप दोनों टॉपिक तैयार करते हो तो ये दोनों टॉपिक है वो आपके बॉटनी के भी तैयार हो जाएंगे और जूलॉजी के भी तैयार हो जाएंगे। इसलिए दोनों टॉपिक को आपको क्लियर करना है, सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स, ठीक है, और प्लांट ब्रीडिंग। तो फर्स्ट पेपर में क्या आएगा, सेल बायोलॉजी के लिए, जेनेटिक्स के लिए और प्लांट ब्रीडिंग के लिए आता है। इसी प्रकार सेकेंड पेपर है वो माइक्रोबायोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी के संबंधित होता है, और थर्ड पेपर होगा वो एल्गी, लाइकेन और ब्रायोफाइटा, जो आपने जूनियर में पढ़ा भी था, एल्गी के लिए पढ़ा था, लाइकेन के लिए भी पढ़ा था और ब्रायोफाइटा के लिए पढ़ा था, वो आपके वापस तीसरे पेपर में आएंगे। तो सिलेबस में 33, 33 और 34, यानी बॉटनी कितने नंबर की हो गई है, 100 नंबर की, और उसमें पास होने के लिए वही 36 नंबर क्या है, आवश्यक, यानी 12-12 नंबर आपको पर पेपर चाहिए। और प्रैक्टिकल होगा आपका वही कितने नंबर का होगा आपका, 50, उसमें कंपलसरी 18 नंबर आवश्यक। तो 150 नंबर का होगा बॉटनी का पेपर और 150 का कौन सा हो जाएगा, जूलॉजी का। ये हो गया आपका सिलेबस। अब नेक्स्ट टॉपिक में आपकी क्लासेस शुरू हो जाएगी, ठीक है, थैंक यू।